ये बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 9th के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको रीड कर लेते हैं और एक काम करते हैं, इसमें से पहले हम लर्न करते हैं फिर दूसरों को सिखाते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं बच्चों 23। देखिए लिखा है इन द फिगर एल पैरेलल एम, ये दोनों पैरेलल हैं, ए बी इक्वल, यहाँ पर ये वाली साइड ए बी इक्वल है सी डी के, यानी लेंथ में इक्वल है दोनों, और ए फाइंड ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी ये हमें फाइंड आउट करना है, और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओ बी 3.5 सेंटीमीटर, ओ सी 3.5 सेंटीमीटर और ए बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपने देख लिया। आइए इसको करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर बच्चों मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। मुश्किल तो नहीं है लेकिन आप बने रहें अच्छे से, और समझ में ना आए एक बार तो दोबारा फिर देखें इसको, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। क्यों प्रूव करना है, क्योंकि हमें बी ओ की लेंथ गिवन है, साथ ही सी ओ की लेंथ भी गिवन है। अब हमें डी ओ की लेंथ निकालनी है और ए ओ की निकालनी है, तभी तो हम ऐड करके निकालेंगे ना इनका। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आइए करते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले ए बी इक्वल है सी डी के, ये गीवन है बच्चों, यहाँ पर ये तो क्या है गीवन है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, यानी इसका नाम मैं ले लेता हूँ बी ए ओ, सी भी ले सकते हैं लेकिन बी ए ओ ही लिखो, एंगल बी ए ओ इक्वल होगा ओ सी डी, एंगल ओ सी डी ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये, क्यों है, क्योंकि यहां पर एल पैरेलल एम, ठीक है, और ए सी इज ए ट्रांसवर्स लाइन, एंड लिख देते हैं इधर ए सी इज ए ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई, समझ में आ गया। अब ये एंगल ए बी ओ इक्वल होगा एंगल सी डी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल होगा एंगल सी डी ओ, ये भी क्या अल्टरनेट एंगल है, क्यों एंगल है, क्योंकि यहां पर भी हम लिख सकते हैं एल पैरेलल एम एंड, ठीक है, एंड ये वाली देखो, अब ये वाली ए सी इज ए ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया एंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। क्राइटेरियन क्या लगा, एंगल एंगल साइड, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब बी ओ इक्वल होगी डी ओ के, बी ओ इक्वल होगी डी ओ के, और साथ ही सी ओ इक्वल होगी ए ओ के, ठीक है, क्यों सी पी सी टी, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसमें बी ओ है 3.5 तो डी ओ बी कितनी हो जाएगी 3.5 हो जाएगी, मैं शॉर्ट में लिखा डी ओ 3.5 सेंटीमीटर, और इधर ए ओ ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें फाइंड क्या करना था, ए सी प्लस बी डी, अब ए सी प्लस बी डी ये फाइंड आउट करना था। अब ए सी में तो क्या लगता है, ए ओ प्लस ओ सी लगता है, ए ओ प्लस ओ सी और प्लस ये बी डी, बी डी में क्या लगता है बी ओ प्लस डी ओ, बी ओ प्लस डी ओ ये लगता है। तो यहाँ पर ए ओ तो ये 3.5 है, यानी 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, ठीक है, यहाँ पर तो ये आ गया बच्चों 14 सेंटीमीटर,
क्या आ गया 14 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर निकल गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव है, डी बी सी और कॉन्ग्रुएंट है ई ए एफ कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ पर ए भी 4 सेंटीमीटर है, तो हमें एफ सी क्या करनी है, ये फाइंड आउट करनी है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई ए एफ ये गिवन है, ठीक है, गिवन है ना, तो इसका मतलब इसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट होंगे, यानी इस ट्रायंगल का तो ए एफ और इस ट्रायंगल का बी सी, मैं लिख सकता हूँ बी सी इक्वल होगा ए एफ के, सी पी सी टी, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पर बी सी में हम देखें तो इसमें लगता है एक तो बी एफ प्लस एफ सी, ठीक है, और ए एफ में लगता है ए बी प्लस बी एफ, ये लगता है ना, तो बी एफ दोनों में लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बी एफ ऑन बोथ साइड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ सी इक्वल आ जाएगा ए बी के, और यहाँ पर लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग बी एफ यहाँ पर ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, तो एफ सी इक्वल ए बी, तो एफ सी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी यहाँ पर, और ए बी की क्या है, ये देखो 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 4 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर हम कर लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल ए सी, ये ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है, दिया हुआ है, और साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि डी बी सी इक्वल है एंगल डी सी बी इक्वल 40 डिग्री, ये वाला, और साथ में क्या लिखा, ए डी बी डी एंड सी डी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है, ये बी डी सी डी और ए डी ए बी सी के ये क्या हैं, बाइसेक्टर हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसको निकालने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम एंगल ए फाइंड आउट करेंगे पूरा, ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ए की तो वैल्यू नहीं है, बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या होगी, यानी बी डी बी सी के डबल, डी बी सी का डबल, और सी की वैल्यू क्या होगी, डी सी बी का डबल, एंगल डी सी बी का ये डबल, डबल क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है, मैं लिख देता हूं बी डी एंड सी डी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर इक्वल ये 180 डिग्री है, ठीक है, इक्वल ये 180 डिग्री है। अब यहाँ पर एंगल ए और प्लस ये 2 × 40 + 2 × 40 इक्वल 180, तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ पर 42 × 80 होता है, 80 ये भी आ जाएगा 80, और यहाँ पर आ गया बच्चों 180, ठीक है, इस तरीके से। अब एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ पर ये 180 और इधर 80 और 80 160 होता है, इधर प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा 160 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से ये। अब एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ पर आ गई 20 डिग्री, ठीक है, क्या आ गई, 20 डिग्री आ गई, समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर ये एंगल हमें लेना होगा, ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ADB, इसमें भी तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होता है, तो इसका नाम हम लेंगे BAD प्लस एंगल, यहाँ पर ये मैं खाली एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है,
आप चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हैं इसका, मैंने एक्स लिख लिया, और इस एंगल का नाम लेते हैं DBA, DBA, तो तीनों का सम क्या होगा 180 होगा। अब BAD की वैल्यू क्या होगी, BAD की तो एंगल का हाफ होगा ना, क्योंकि बाइसेक्टर है, तो ये होगा एंगल A का हाफ, और ये X, और DBA क्या है, DBA अभी हमने निकाला था बच्चों यहाँ पर, ठीक है, DBA, तो DBA ये 40 का, तो ये भी 40 का आया था ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 40 डिग्री लिख देता हूँ, और इक्वल 180 डिग्री यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। DBA की वैल्यू यानी एंगल DBA इक्वल होगा बी एंगल बी का हाफ, बी का हाफ होगा क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है, आप चाहे तो साथ में लिख सकते हो कि बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर एंगल टू इक्वल ए, ए की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, और प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री यहाँ पर, और इक्वल 180 डिग्री, तो 2 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 10, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे 40 और 10 हो गया प्लस 50 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, ठीक है, ये प्लस 50 इधर आकर ये माइनस का हो गया, अब एक्स की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। बच्चों ये आपका आंसर निकल गया। अब आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।